सो हे गाइस, वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। सो आज आप लोगों के लिए आ चुकी है R15M। इससे पहले आप लोगों ने R15S का भी वीडियो देख लिया, R15V4 का भी वीडियो देख ही चुके हो, तो ये अपने पास पूरा लाइनअप रेडी है। S में दो आप लोगों के कलर आते हैं, दोनों ही अपने पास हैं। V4 में अपने पास अभी रेड और मैट ब्लैक वाला भी अवेलेबल है। उसके साथ साथ आज अपने पास ना R15M भी अवेलेबल है। इसी के बारे में पूरी डिटेल आप लोगों को इस वाली वीडियो में मिलने वाली है। चैनल पे नए हो, फर्स्ट टाइम ये वीडियो देख रहे हो, तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल कर लेना, क्योंकि इसी टाइप के यूज़फुल आप लोगों के लिए वीडियो अपने चैनल पे रेगुलर आते रहते हैं। और हाँ, सबसे मेन चीज़, आप लोगों का बहुत एक ना दिल से थैंक यू, अपने 10K सब्सक्राइबर पूरे हो चुके हैं, तो 10K फैमिली अपनी डन हो चुकी है। तो ये है भाई R15M। आज पूरी डिटेल आप लोगों को R15M के बारे में मिलने वाली है। तो देखो यार, एक बार इसका कलर थीम चेक करो, जो इसका एक R1M इंस्पायर्ड आप लोगों को यहाँ पर कलर थीम मिल जाता है। सिल्वर ब्लैक, एक ब्लू का टच भी यहाँ पर मिलता है। जो अलॉयज हैं ये भी अपने को ना ग्लॉसी ब्लैक में ही मिल जाते हैं, तो काफ़ी अच्छा है कि ये पूरा आउटपुट रहने वाला है। उसके साथ साथ काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पर आप लोगों को ना एक कह सकते हो फर्स्ट इन सेगमेंट मिलती है। ये देखो भाई, क्विक शिफ्टर इस बाइक में मिल जाता है, ट्रैक्शन कंट्रोल अपने को मिल जाता है, जो कि स्विचेबल है, यानी कि ऑन और ऑफ आप अपने प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग, अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग उसको भी कर सकते हो। ड्यूल चैनल ABS मिल जाता है, प्लस टायर्स का जो सेटअप है वो भी काफ़ी अच्छा। और जो प्राइसिंग है ना बाइक की, वो भी भाई ऐसा नहीं है कि काफ़ी ज़्यादा हायर साइड पर रह जाती है। निसिन की यहाँ पर अपने को ब्रेकिंग मिलने वाली है। तो स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो बाइक की की से। तो ये रहा भाई अपना, जो यामा में सारी ही बाइक्स में आप लोगों को इसी टाइप का की मिलने वाला है। इग्निशन अपन ऑन करते हैं, तो यहाँ पर अपना DRL ऑन है LED में, पूरा लाइटिंग सेटअप अपना रहने वाला है। इंडिकेटर्स के अलावा, इंडिकेटर अपने हेलोजन में ही हैं, क्लियर ग्लास वाले। यहाँ पर प्रोजेक्टर सेटअप अपने को मिलने वाला है LED में, तो ये काफ़ी आप लोगों को अच्छा एक लाइटिंग का जो थ्रो है वो काफ़ी पसंद आने वाला है। R15M का स्टिकरिंग आप लोगों को फ्रंट में मिल जाता है। रियर व्यू मिरर जो है ये आप लोगों को इस टाइप से फोल्डेबल यहाँ पर रहने वाले हैं। उसके साथ साथ नंबर प्लेट अपनी यहाँ पर एक पूरा क्लैंप आने वाला है। ये रहा भाई अपना जो एक विंडस्क्रीन आप लोगों को बाइक के साथ मिलने वाला है। तो ये रहने वाला है कह सकते हो सेमी डार्क, बिल्कुल क्लियर भी नहीं है और ज़्यादा डार्क भी नहीं है। पर इस बाइक की ना काफ़ी सारी एसेसरीज अपने को आफ्टर मार्केट में मिल जाती है, जैसे कि R15 की ही नहीं, मतलब एक M की ही नहीं, V4 की भी, S वाली की भी और प्लस MT की भी, तो काफ़ी सारी एसेसरीज इनकी आफ्टर मार्केट में मिल जाती है। तो वो चीज़ आप लोग लगवा सकते हो। विंगलेट्स भी इसके आप लोगों को ना काफ़ी अच्छे खासे मिल जाते हैं। साइड प्रोफाइल पे देखें तो साइड प्रोफाइल पे एक आप लोगों को फुली फेयर्ड वाला लुक यहाँ पर मिलने वाला ही है। नेकेड में जाना है तो नेकेड में आप लोग MT15 चूज़ कर सकते हो। सेम इंजन के साथ बाइक आती है और प्लस सस्पेंशन सेटअप जो रहता है ये भी सेम ही रहता है, और टायर्स का जो सेटअप रहता है ये भी सेम ही रहता है। MT15 भी एक अपना एक अलग ही उस बाइक की भी ना फैन फॉलोइंग रहने वाली है। R15M का यहाँ पर अपने को पूरी ब्रांडिंग मिल जाती है, यामा की पूरी ब्रांडिंग अपने को जो अंडरबेली वाला पार्ट है इस पे मिलने वाली है। टायर्स का सेटअप चेक कर लेते हैं, तो MRF का अपने को यहाँ पर टायर मिलने वाला है, पैटर्न अपना कुछ ऐसा है। उसके साथ साथ 282mm का फ्रंट डिस्क है, तो काफ़ी अच्छा खासा साइज मिल जाता है। बाइब्री की फ्रंट ब्रेकिंग रहने वाली है और रियर अपनी रहने वाली है निसिन की। अपसाइड डाउन सस्पेंशन सेटअप मिल जाता है जो कि काफ़ी अच्छा है, और ये रहने वाला है अपना KYB का। तो ये भी ना आप लोगों को काफ़ी अच्छा एक पूरा जो राइड क्वालिटी है बाइक की वो रहने वाली है। इसके साथ 282mm का फ्रंट में डिस्क है, और जो अलॉयज हैं ये अपने रहने वाले हैं ग्लॉसी ब्लू में। यहाँ पर भी आप लोगों को कवरिंग रहेगी, और जो रेडिएटर का सेटअप है ये भी आप लोगों को काफ़ी अच्छे साइज़ का है, जिससे कि जो बाइक की कूलिंग है वो एक कह सकते हो फास्ट और मोर अफेक्टिव आप लोगों को रहने वाली है। अलॉयज का शेप अपना कुछ ऐसा है, फ्रंट मडगार्ड भी सिल्वर कलर में ही रहने वाला है, उसके साथ साथ ABS का एक स्टिकर अपने को यहाँ पर आ जाता है। तो जो फ्रंट है ना बाइक का, अपसाइड डाउन के साथ काफ़ी अच्छा लगता है। यहीं अगर अपन देखें जो टेलीस्कोपिक आता है, तो R15S जो आती है ना V3, इसमें अपने को टेलीस्कोपिक ही मिलता है। तो ये वाला लुक अपना ये रहा, और जो अपसाइड डाउन है उसके साथ बाइक का लुक कुछ ऐसा निकल के आता है। तो यहाँ से आप लोग एक कंपैरिजन कर सकते हो, और बहुत ही जल्दी आप लोगों के लिए R15 सीरीज़ का, यानी कि S से लेकर के M तक का पूरा वीडियो आप लोगों के लिए आने वाला है। तो उसमें आप लोगों को पूरा एक डिटेल में, पूरा सीरीज़ में कंपैरिजन मिल जाएगा। रियर में देख लेते हैं, तो टेल लैंप ऑन होने के बाद लुक अपना कुछ ऐसा है। तो यहाँ से आप लोग देख सकते हो ये ऑन है। नंबर प्लेट का जो बल्ब है ये भी अपना हेलोजन में ही रहने वाला है। इंडिकेटर अपना फ्रंट की तरह ही आ जाते हैं। नंबर प्लेट की प्लेसिंग अपनी यहाँ नहीं, जो टेल टाइडी वाला यूनिट है ये भी कोई इतना ज़्यादा ऑड नहीं है, पर इसके भी काफ़ी सारे ऑप्शन आप लोगों को आफ्टर मार्केट में मिल जाते हैं। तो टेल टाइडी आप लोग अपने अकॉर्डिंग आफ्टर मार्केट में भी लगवा सकते हो। यहाँ पर अपने को ड्यूल में दो टायर हगर का सेटअप मिलने वाला है, पर ये थोड़ा छोटे साइज़ में है, जिससे कि जो बाइक का एक लुक है ना रियर वाला वो थोड़ा सा इनहेंस भी होता है इसके साथ, क्योंकि ये काफ़ी बड़ा आ जाता ना तो जो टायर है ये छुप जाता है, तो वो वाला चीज़ यहाँ पर आप लोगों को नहीं आने वाली। एक अपना टायर हगर रियर वाला रहने वाला है, और एक टायर हगर आपका यहाँ पर रहने वाला है। इस वाले टायर हगर के बिना काफ़ी सारे ऑप्शन आप लोगों को आफ्टर मार्केट में मिल जाते हैं। तो अब इसी चीज़ से आप लोग इमेजिन कर सकते हो कि इसकी कितनी सारी एसेसरीज अवेलेबल है। टायर का सेटअप अपना जो पैटर्न है वो कुछ इस टाइप का है, रियर का वही MRF का ही टायर रहने वाला है, और ये वाला टायर रहने वाला है अपना 140 सेक्शन का। 100 सेक्शन का फ्रंट है, 140 सेक्शन का अपना रियर रहने वाला है, वही ट्यूबलेस ही रहने वाला है ये भी। 220mm का अपने को रियर डिस्क रहने वाला है निसिन की ब्रेकिंग के साथ।
तो वो ये रहा अपना कैलिपर और ये रहा अपना निसिन की पूरी ब्रांडिंग। यहाँ पर एग्जॉस्ट का सेटअप चेक करें तो एग्जॉस्ट इस कलर थीम के साथ ना ये वाला एग्जॉस्ट काफ़ी अच्छा जा रहा है, क्योंकि यहाँ पर भी ना काफ़ी अच्छा खासा सिल्वर का यूज़ आप लोगों को मिलेगा। तो ये अपना मेटल है, हीट शील्ड जो है अपनी फाइबर में रहने वाली है, प्लस जो टिप है ये भी अपना फाइबर और सिल्वर कलर में रहने वाला है। तो रियर यहाँ सब लोग चेकआउट कर सकते हो इस कलर थीम के साथ, एग्जॉस्ट पूरा आप लोगों को कितना ही अच्छा लगने वाला है। रियर फेयरिंग पे देख लेते हैं तो वीवी है, वेरिएबल वाल्व एक्चुएशन आप लोगों को यहाँ पर पूरा मिल जाता है, उसके साथ साथ वर्किंग में यहाँ पर एयरवेंट्स भी अपने को मिलती है, जिससे कि एक इस बाइक की जो हाई स्पीड स्टेबिलिटी है ना वो काफ़ी इंप्रूव होती है इस चीज़ की वजह से, क्योंकि ये काफ़ी भाई अच्छा खासा पार्ट प्ले करता है। सीट भी आप लोगों को इस R15M के साथ ना जो इसका टेक्स्चर है यहाँ पर आप लोगों को पूरा कार्बन वाला फिनिश देखने को मिलेगा, तो ये सिर्फ R15M में ही मिलती है। एम्ब्रॉयडरी वाला काम भी यहाँ पर है, R15M की पूरी ब्रांडिंग हुई है, और एक की होल मिल जाता है सीट ओपन करने के लिए। एक अपना स्ट्रैप है जो कि गैब्रियल यहाँ पर एज सच कोई अवेलेबल नहीं है बाइक के थीम के अकॉर्डिंग, तो ये आप लोगों का बहुत ही यूज़फुल चीज़ रहने वाली है। सीट हाइट की बात कर लेते हैं तो सीट हाइट यहाँ पर अपने को रहने वाली है 815 mm की, 815 mm की अपने को टोटल सीट हाइट रहने वाली है। तो कोई दिक्कत आप लोगों को उस चीज़ से भी होने वाली नहीं है, क्योंकि इतना ज़्यादा हायर साइड पे सीट हाइट यहाँ पर अपने को नहीं रहने वाली। फ्यूल टैंक देख लेते हैं तो फ्यूल टैंक पे एक यामा मोटरसाइकिल कनेक्ट, तो ये भाई काफ़ी अच्छी चीज़ है। अब ये बात पता करते हैं अपन जब MID की बात पूरा करेंगे। एक अपने को क्रोम में R15M की पूरी ब्रांडिंग मिल जाती है, फ्यूल कैप ना इस टाइप से है विथ कवरिंग, तो काफ़ी अच्छा आप लोगों को ये भी रहने वाला है। और यहाँ पर ये स्पेशली जो वेंट्स वाला लुक है ना ये R1 वाला पूरा आप लोगों को थीम देने वाला है। एक यामा का लोगो आ जाता है। फ्यूल टैंक कैपेसिटी की बात करें तो फ्यूल टैंक अपना यहाँ पर रहने वाला है टोटल 10 लीटर का, 10 लीटर की टोटल फ्यूल टैंक कैपेसिटी रहने वाली है। अब आ जाते हैं भाई स्विचेस पे, तो ये जो इसका पार्ट है इस बाइक का पूरा MID वाला स्विचेस वाला, ये आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगने वाला है। R15M की पूरी ब्रांडिंग आप लोगों को जो एक सस्पेंशन का यहाँ पर ऊपर वाला कवर है इसके ऊपर पूरा ब्लू में रहने वाला है। MID देख कर लेते हैं तो MID का स्टार्टअप अपना कुछ इस टाइप का है, ये है भाई MID का अपना पूरा स्टार्टअप। स्विचेस पहले बात कर लेते हैं तो ये अपना जाता है हाई बीम लो बीम प्लस अपना पास वाला इसी से रहने वाला है। यहाँ पर ये आ गया इंडिकेटर, इस टाइप का भाई ड्यूल बजर में काफ़ी अच्छे साउंड का अपने को हॉर्न मिल जाता है। राइट साइड पे देखें तो एक किल स्विच प्लस आपका स्टार्टर, तो 3-in-1 वाला स्विच अपना यहाँ भी है, 3-in-1 अपना यहाँ पर भी है। एक अपने को यहाँ पर हजार्ड भी मिल जाता है, और एक आप लोगों का जो ये है भाई ट्रिप और इन्फो, ये है अपना MID से रिलेटेड। फाइबर में अपने को यहाँ पर बार एंड्स भी रहने वाले हैं जो कि ये है। अब देख लेते हैं भाई हजार्ड के साथ इस टाइप का कुछ लुक आप लोगों को मिलने वाला है। फ्लैशर अगर लगवाने हैं जैसे कि अपने एक जो उसका पैटर्न होता है फ्लैशिंग का, तो वो आप लोगों को फ्लैशर लगवाना है तो वो आफ्टर मार्केट आपको रिप्लेस करवाना पड़ेगा। सिंगल हेड गियर लीवर अपने को यहाँ पर मिलने वाला है, और साइड स्टैंड इंजन कट ऑफ भी यहाँ पर आप लोगों को मिल जाता है। प्लस भाई इस बाइक में मिलता है अपने को कूल शिफ्टर, तो ये अपना पूरा जो उसका यूनिट यहाँ पर देखने को मिल सकता है, वायरिंग आप लोगों को देखने को मिल जाएगी। और एक स्विंग आर्म जो है आपका ये भी अपना सिल्वर में ही रहने वाला है, तो ये देख सकते हो एल्युमिनियम में है, जिससे कि वेट वगैरह का इशू ना हो इस बाइक के साथ, और ये अपना रहने वाला है सिल्वर में। तो ये लुक भी ना काफ़ी अच्छा आप लोगों को कह सकते हो सुपर बाइक वाला पूरा फील आने वाला है। चेन का पूरा सेटअप ओपन वाला ही रहने वाला है, और एज सच कोई मार्किंग यहाँ पर अवेलेबल नहीं है कि कितने टूथ वाला अपना ये जो है ना पॉकेट है ये रहने वाला है। एक कवरिंग आप लोगों को इस टाइप से छोटा एक यहाँ पर मिल जाता है, और एक साड़ी गार्ड आप लोगों को छोटे साइज में रहने वाला है। यहाँ पर अपने को मोनोशॉक रहने वाला है 7 वे एडजस्टेबल, तो इसको भी आप लोग एडजस्ट कर सकते हो। और ये जो येलो कलर में ना इसके साथ भी ना बाइक का एक जो पूरा सेटअप बैठ रहा है वो काफ़ी अच्छा है। फुटपैक्स अपने जो स्प्रिंग वाला ही रहने वाला है राइडर का, और पिलियन वाला जो प्रॉपर एडजस्टेबल इस टाइप से रहने वाला है। अब चेक कर लेते हैं भाई MID में क्या कुछ अपने को मिलने वाला है, तो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव यहाँ पर मिलने वाला है। ये देख सकते हो TCS का एक आप लोगों को ऊपर देखने को मिल रहा है, ये अपनी पूरी रेगुलेटर की लाइट आ जाती है ABS, तो ये हैंडल ना टाइल्स की वजह से रुक नहीं रहा है। साइड में सारी ही वार्निंग लाइट्स अपने को मिल जाती है, गियर इंडिकेटर, दो राइडिंग मोड्स अपने को बाइक में मिल जाते हैं, स्ट्रीट मोड और ट्रैक मोड, तो ये आप लोगों को यहाँ पर पूरी देखने को मिल रहा है। क्लॉक आ गई, ये अपना पूरा RPM मीटर चल जाता है, डिजिटल में अपना स्पीडोमीटर आ जाता है। नीचे आप लोगों को शो हो रहा है TRIP 1 और TCS, तो ये है TCS ट्रैक्शन कंट्रोल, ये पूरा आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगा। अभी ऑन है तो ये आप लोगों को ऑन की मार्किंग मिल रही है। डिजिटल में ही अपना फ्यूल गेज भी रहने वाला है। अब करते हैं बाइक इस को स्टार्ट के, इसमें क्या कुछ चीज़ें यहाँ पर अपने को मिलने वाली है। तो स्विच अपने को यहाँ पर मिलने वाले हैं ट्रिप और इन्फो वाला, तो इससे करते हैं तो ये अपना बैटरी वोल्टेज शो करेगा। ये आ गया कूलेंट टेम्परेचर, ट्रैक मोड पे अभी बाइक है, इसको अगर अपने को चेंज करना है तो इस स्विच को ही अपने को लॉन्ग प्रेस करना पड़ेगा। और ये आ गया अपना पूरा ट्रैक मोड पे बाइक, ये आ गया लैप अपना टाइमिंग शो कर रहा है, फास्टेस्ट लैप भी अपने को शो करेगा और एक लेटेस्ट लैप भी आपको शो करने वाला है यहाँ पर, तो ये भी काफ़ी अच्छी चीज़ है। ये आ गया, अब इसमें से चलते हैं वापस बाहर।
फ्यूल कंजप्शन शो कर रहा है, टोटल आपका जो एक रियल टाइम एवरेज भी इसको कह सकते हो, ये आ गया एवरेज और TCS। तो ये TCS अभी ऑन है, इसको भी अगर आपको ऑफ करना है तो इसी स्विच को लॉन्ग प्रेस करना पड़ेगा और ये हो गया आपका ऑफ। तो ये सारा चीज़ आप लोगों को पूरा MID में रहने वाला है। अब कर लेते हैं बाइक को स्टार्ट और सुनते हैं कि किस टाइप का अपने को एग्जॉस्ट साउंड यहाँ से मिलने वाला है। तो ये जो 3-in-1 स्विच है इसको ही अपने को प्रेस करना है और अपनी बाइक स्टार्ट हो जाएगी कुछ इस टाइप से। तो ये रहा अपना LED प्रोजेक्टर हेडलैम्प ऑन, काफ़ी अच्छा इसका भी थ्रो मिलने वाला है। इसका साइज़ थोड़ा सा छोटा आप लोगों को लग सकता है पर भाई इनफ है, मतलब प्रोजेक्टर के साथ LED है तो कोई दिक्कत आप लोगों को उस चीज़ में नहीं होने वाली। अब थोड़ा सा बाइक को कर लेते हैं रेव। R15M में अगर अपन कलर ऑप्शंस की बात कर रहे हैं तो देखो एक ही कलर आप लोगों को R15M में जो रेगुलर है वो रहने वाला है। इसके साथ साथ कुछ लिमिटेड एडिशन कलर भी आप लोगों को मिलते हैं, जैसे कि अभी एक MotoGP इंस्पायर्ड वाला एक रहता है वाइट और येलो और प्लस रेड का टेक्सचर, वो भी कलर काफ़ी अच्छा है पर वो है लिमिटेड एडिशन। उसके साथ साथ एक मॉन्स्टर एनर्जी वाला एक कलर थीम है, वो भी लिमिटेड एडिशन ही रहने वाला है। तो इस टाइप से आप लोगों को अभी फिलहाल एट अ टाइम इस टाइप से एक 3 कलर ऑप्शन का आप लोगों को R15M में चॉइस मिलता है, पर जो प्रॉपर जो रेगुलर रहने वाला है वो यही वाला आप लोगों को कलर थीम रहने वाला है। सो अब बात कर लेते हैं बाइक के पावर आउटपुट के बारे में कि क्या आप लोगों को यहाँ पर इंजन स्पेसिफिकेशंस रहने वाले हैं। तो 155cc का लिक्विड कूल अपने को यहाँ पर इंजन मिलने वाला है 6-speed गियरबॉक्स के साथ। पावर की बात करें तो 18.4 HP का पीक पावर है और 14.2 Nm का यहाँ पर अपने को टॉर्क मिलने वाला है। प्राइसिंग की बात कर लेते हैं तो प्राइस आप लोगों को ये ऑन रोड जयपुर रहने वाली है, ऑन रोड जयपुर आपको बाइक कॉस्ट करने वाली है 235,000 के अराउंड। 235 आप लोगों को ऑन रोड जयपुर बाइक कॉस्ट करने वाली है। तो ये था भाई अपना पूरा वीडियो, कैसा लगा आप लोगों को कमेंट में ज़रूर बताना। अच्छा लगा हो तो लाइक भी कर देना, शेयर भी कर देना, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल भी कर लेना। करते हैं अपना ये वाला वीडियो एंड और मिलते हैं अगले वीडियो के साथ इसी के नेक्स्ट डे। जब तक के लिए ध्यान रखो खुद का भी, घर वालों का भी और आपकी गाड़ियों का भी। टेक केयर, बाय बाय।